कर्नाटक चिकमंगलूर के मेगुंडा स्थित जैन मंदिर में भगवान शांतिनाथ की प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान इस मंदिर को बनवाया गया था। यहां जैन चरण चिन्ह को स्थानीय लोग साधुपद कहते हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की शिष्या आरिका श्री कुशलमती माताजी का मंगल विहार मध्य प्रदेश इंदौर की ओर हो रहा है, जहां माताजी का आगामी चातुर्मास होना है। इसी क्रम में 25 जून को आरिका संघ की आहारचर्या रायसेन सलामतपुर में संपन्न हुई। श्रमण मुनि श्री अजित सागर जी महाराज सत्संग, श्रमण मुनि श्री विकसंत सागर जी, श्रमण मुनि श्री आचार्य सागर जी महाराज सत्संग 23 जून को मध्य प्रदेश ग्वालियर पहुंचे, जहां भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया। विहार के दौरान गुरुवर का वात्सल्य मिलन हुआ। स्थानीय भक्त इस पल के साक्षी बने। आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या जनागम पंथ प्रभाविका आरिका विद्यांत श्री माताजी सत्संग का मंगल विहार एटा के लिए चल रहा है, जहां आरिका संघ का आगामी चातुर्मास होना है। विहार के दौरान 25 जून को कासगंज में आरिका संघ का रात्रि विश्राम होगा। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के 55वें दीक्षा महोत्सव का आयोजन राजस्थान के अजमेर में होने जा रहा है, जिसको लेकर पूज्य गणनीय आरिका रत्न वात्सल्य मूर्ति श्री संगमती माता जी को अजमेर जैन समाज ने श्रीफल भेंट कर निवेदन किया। परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग का निर्यापक श्रमण मुनि श्री संभव सागर जी महाराज से 25 जून को मध्य प्रदेश के खुरई में मिलन हुआ। स्थानीय भक्त दोनों मुनि संघ के वात्सल्य मिलन के साक्षी बने।